मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा संसदीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी, गृह मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जूरी के अध्यक्ष सीता शरण जी, लोकसभा सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री एपी सिंह जी, सभी माननीय मंत्रीगण, सब माननीय विधायकगण, मैं आज राजा भोज और रानी कमलापति की धरती मध्य प्रदेश में आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस विधानसभा का एक गौरवपूर्ण संसदीय इतिहास रहा है और यहां पर इसी विधानसभा के माध्यम से हमने राज्य की जनता, राज्य के विकास के लिए एक नई दिशा दी है। मैं इस मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष, राज्य के पूर्व नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, जिनके प्रयासों से, जिनके योगदान से लोकतंत्र की 75 साल की गौरवशाली यात्रा में उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा का गौरव सम्मान बढ़ाया है। आज हम यहां बैठकर उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपने संसदीय कामकाज में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने कार्यों से, अपने विचारों से इस संसदीय गौरव सम्मान बढ़ाया है। उन सभी प्रतिष्ठित महानुभावों को, जिनको प्रस्तुत किया है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं विधानसभा के अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने एक लंबे समय बाद इस परंपरा को शुरू किए। और इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संसदीय लोकतंत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, उनके नाम से पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, ये वर्ष अमृत महोत्सव है। हमने 75 साल की
इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है, इसको जवाबदेह बना है। और इस 75 साल की यात्रा के अंदर देश की जनता का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। उस विश्वास और भरोसे को हमें कायम रखते हुए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को और जवाबदेह बनाने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। जब पूरे विश्व में शासन चलाने की पद्धतियों पर चर्चा होती है तो अधिकतम देशों ने माना कि शासन जनता का हो, जनता के लिए हो, उसके लिए ही लोकतंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और भारत को यह गौरव है कि जब हमने संविधान बनाया था उस समय ही हमने जनता को बीच में रखकर इस संविधान का निर्माण हमारे मनुष्यों ने किया। आज उन संविधान निर्माताओं के मनुष्यों को याद करते हुए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे सशक्त और मजबूत लोकतंत्र है तो भारत का है। आपने दुनिया के कई देशों के अंदर देखा होगा कि लोकतंत्र होने के बाद भी कई बार शासन परिवर्तन होते समय कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद होता है, लेकिन भारत के इस लोकतंत्र की विशेषता है कि 17 लोकसभा के चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सत्ता का सहज हस्तांतरण, यह हमारे लोकतंत्र का चरित्र है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सब अगर श्रेय जाता है तो हमारे संविधान निर्माताओं का जाता है, जिन्होंने शासन जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा संचालित हो। हमारे देश के अंदर बहुत लिए राजनीतिक व्यवस्था है और बहुदलीय राजनीति व्यवस्था होने के कारण हर दल को, हर विचारधारा को समय समय पर अपनी विचारधाराओं के आधार पर अपनी दल की योग्यताओं के आधार पर देश की जनता ने सत्ता चलाने का मौका दिया है। और इसीलिए हमारे लोकतंत्र के अंदर जहां सत्ता चलाने की जिम्मेदारी जिस दल की होती है उतनी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की भी होती है। और एक अच्छा शासन वही होता है जहां प्रतिपक्ष जवाबदेही के साथ काम करे, शासन प्रतिपक्ष की उठाए मुद्दों, विचारों, अच्छे सुझावों को आत्मसात करे और अच्छा प्रतिपक्ष शासन और प्रशासन में भी पारदर्शिता, जवाबदेही ला सकता है। और इसीलिए हम जब विधानसभाओं की बात करते हैं, लोकसभा की बात करता हूं या अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करते हैं तो निश्चित रूप से
जो चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, संसदीय कार्य मंत्री ने की, वो चिंता पूरे देश की है। और जब कभी भी हमारे विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है, पिछली बार शिमला के अंदर हमारे शताब्दी सम्मेलन के अंदर भी इस बात की चिंता की कि लगातार सदनों के अंदर गरिमा और मर्यादा और शालीनता गिरती जा रही है। और ये चर्चा जब पीठासीन अधिकारियों ने की तो सामूहिकता के साथ की और सब एक निष्कर्ष से निकले, निर्णय से निकले कि हमें सामूहिकता से साथ प्रयास कर ये कोशिश करना चाहिए कि सदनों की गिरती हुई मर्यादा गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि अगर लोकतंत्र के अंदर इन संस्थाओं के अंदर शालीनता मर्यादा गरिमा कम होगी तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। और इसीलिए प्रतिनिधि संस्थाएं होने के कारण सभी दलों के विधायकों की, सभी दलों के सांसदों की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन की गरिमा मर्यादा को बनाए रखें। यह मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसने सदन की गरिमा और मर्यादा को बना के रखा है। एक उदाहरण दिया जाता है मध्य प्रदेश की विधानसभा का, जहां पर सदन के अंदर चर्चा होती है तो गरिमा से होती है, संवाद पक्ष विपक्ष दोनों तर्क होते हैं तो गरिमा के साथ होते हैं। और इसीलिए जो हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने इन सदन की गरिमा और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, आज हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उन सबसे प्रेरणा लेकर इस सदनों की गरिमा और मर्यादा को और बना के रखें। आजकल बहुत चिंता का विषय इस बात का भी है कि जिस तरीके से सदनों में नियोजित तरीके से विरोध किया जाता है, यह हमारे लोकतंत्र के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। मुद्दों पे चर्चा हो, मुद्दों पे वाद विवाद हो, सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन नियोजित तरीके से कि आज सदन नहीं चलने देना, सदन में तख्तियां लेकर नारेबाजी करना, यह हमारे लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। और एक तो विशेष रूप से मुझे और चिंता का विषय हो गया कि मैं देख रहा हूं कि राज्यों के अंदर विशेष रूप से हमारा संवैधानिक दायित्व होता है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को हम गरिमा से सुने, महामहिम की गरिमा होती है, सम्मान होता है, संवैधानिक पद होता है, लेकिन जिस तरीके से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध गतिरोध हो रहा है, यह लोकतंत्र के लिए और चिंता का विषय है। और इस पर सबको चर्चा करनी पड़ेगी। दलों की सत्ताएं आती जाती रहती है, परिवर्तन होती रहती है, यह सभी दलों का चिंतन का विषय है कि हम सदनों के अंदर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को गरिमापूर्ण सुने, उनकी मर्यादा को रखें,
और इसके लिए सामूहिक चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद है। इसलिए मेरी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं सभी दलों से चर्चा कर इन लोकतांत्रिक सदनों के अंदर मर्यादा और गरिमा कैसे कायम रख सकती है, इसके लिए निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी। हम विधानसभाओं के अंदर आते हैं लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने के, उनकी समस्याओं अभावों को सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान डालने में, और इसीलिए इन सदन का सार्थक उपयोग हम जब भी कर पाएंगे जब सदन सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित तरीके से चले, सदनों में उच्च तरीके की चर्चा हो, संवाद हो, वाद विवाद हो, और जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखें। लेकिन इसके साथ हमें एक और विचार करना पड़ेगा कि कई बार मैं देखता हूं सदनों के अंदर अब विधायक या सांसद अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, आप पूरे राज्य का नेतृत्व करते हैं, आपका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, आप राज्य के भौतिक सामाजिक वहां के अभाव, वहां की समस्याएं, पूरे राज्य में पिछड़े दलित शोषित व्यक्तियों को किस तरीके से विकास के माध्यम से सामाजिक योजनाओं के माध्यम से हम आगे ला सकते हैं, इसके लिए भी जब विधानसभा में चर्चा हो तो व्यापक दृष्टिकोण के साथ चर्चा हो। हम सदनों में देर तक बैठे, इस विधानसभा का अनुभव है कि जब वरिष्ठ नेता भी सब सदन चलते थे, जब सदन आने और चलने के पहले और सदन के अंतिम तक बैठते थे, लेकिन आजकल माननीय सदस्यों के बैठने की संख्या कम होना सदनों में यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। और एक और चिंता का विषय है कि सदनों के अंदर बैठकों की संख्या कम होना यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है, और इसके लिए भी कई विधानसभाएं तो ऐसी है जहां 30 दिन भी विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलती। यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थाएं सर्वोपरि है, यहां से ही हम प्रदेश की जनता का, प्रदेश के विकास का, कल्याण का काम कर सकते हैं। इसलिए विधानसभा की बैठकें भी चले और विशेष रूप से विधानसभा के अंदर माननीय सदस्य भी देर तक बैठे। मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने व्यापक सूचना तकनीकी का प्रयोग यहां पर किया। हमारा विचार है कि चाहे विधानसभा हो लोकसभा, उसका नैतिक दायित्व कानून बनाने का भी है, और जब कानून बनाने की चर्चा और संवाद हो, सही कहा नरोत्तम मिश्रा जी ने, तो कानून जनता के लिए बनता है, जनता के कल्याण के लिए बनता है। उस कानून बनाते समय इन विधानसभाओं में व्यापक दृष्टिकोण से चर्चा और संवाद होना चाहिए। कानून बनाने के पहले व्यापक रूप से जनप्रतिनिधि कानून बनने के पहले भी चर्चा करें, और जब विधेयक
पेशु विधानसभा के अंदर सारगर्भित तरीके से मुद्दों पर विशेष रूप से कानून बनाते समय चर्चा करें। और मुझे आशा है कि हम इन विधानसभाओं को अच्छी चर्चा संवाद का केंद्र बनाएंगे तो एक व्यापक सकारात्मक परिणाम प्रदेश में ले पाएंगे। और इसलिए ये किसी दल की सरकार का विषय नहीं है, हमें दल से ऊपर उठकर देश के लोकतंत्र को सशक्त करना है तो सामूहिकता के साथ सबसे विचार विमर्श करके हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर मुद्दों पर हर विषयों पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। जो जनता के चुने प्रतिनिधि हैं वो जनता की आवाज को जानते हैं, जनता की मूलभूत सुविधाओं मूलभूत बातों को जानते हैं, इसलिए जब चर्चा और संवाद करेंगे मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो सरकार के ध्यान में भी डालेंगे और सरकार भी सकारात्मक रूप से लेकर उसमें विकास और कल्याण की योजनाएं बनाएगी। उसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय तक संसद में रहे, उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला, उनके नेतृत्व में हमने काम किया। किस तरीके से हम विधानसभाओं के अंदर भी संसदीय समितियों को और सार्थक बनाएं, संसदीय समितियां दलों से ऊपर उठकर चर्चा करती है, संवाद करती है, वहां पर कई विशेषज्ञों को भी हम बुलाते हैं और उन संसदीय समितियों के अंदर चाहे विधेयकों के बारे में हो चाहे अन्य विषयों के बारे में हो एक अच्छी चर्चा संवाद होता है और उन विधानसभाओं की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अगर निर्णय करती है तो वह सार्थक निर्णय होते हैं, परिणामदायक निर्णय होते हैं। इसलिए हमें संसदीय समितियां जो मिनी संसद का काम करती है, जो दल की विचारधाराओं से ऊपर उठकर चर्चा करती है, उन संसदीय समितियों को भी और सशक्त करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। मैं इस मौके पर विशेष रूप से आज उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनको यहां पर अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट काम करने के लिए पुरस्कार मिला है, उससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ सब मिलकर इस राज्य के विकास में, इस राज्य की जनता के कल्याण में हम सार्थक योगदान देंगे। इस सदनों को चर्चा संवाद का केंद्र बनाएंगे, इन सदनों को जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने वाली मंदिर बनाएंगे ताकि इन सदनों के माध्यम से हम प्रदेश की जनता का व्यापक कल्याण कर सकें। आपने यहां मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश का गोरखपुर इतिहास इसी तरीके से हम स्मरण रखेंगे और उस गोरखपुर इतिहास को बनाए रखने में वर्तमान समय में भी हमारी सक्रिय भागीदारी रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।